भरतपुर में हीरादास बस स्टैंड के पास होटल से खाना खाकर कार से घर लौटते समय कुछ लोगों ने गोली मारकर एक फौजी को घायल कर दिया, जिसे आरबीएम चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। पुलिस के मुताबिक अटलवन थाना इलाके में कल देर रात करीब 12 बजे सुभाष नगर कॉलोनी निवासी अजीत सिंह अपने साले नीरू के साथ में हीरादास बस स्टैंड स्थित ठाकुर होटल से खाना खाकर घर लौट रहे थे। वे सुभाष कॉलोनी में अपने साले नीरू को कार से उतार रहा था, तभी अनिल गुर्जर और धमेंद्र धाऊ के साथ 6 लोग 3 मोटरसाइकिल पर आए। उन्होंने आते ही अजीत की कार पर डंडे पत्थर मारे, जिससे गाड़ी के शीशे टूट गए। इसके बाद हमलावरों ने अजीत सिंह फौजी पर फायरिंग की। हाथ और पैर में छर्रे लगने से घायल अजीत को आरबीएम चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। इसी बीच सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना के बाद पड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि पीड़ित ने पुराना कोई विवाद नहीं बताया है। आरोपी विनोद गैंग के आदमी बताए जा रहे हैं। वे 1 महीने पहले जेल से छूटे थे। पीड़ित अजीत सिंह NSG कमांडो है और मानेसर गुड़गांव में तैनात हैं। वे अपने भतीजे की तबीयत खराब होने के कारण छुट्टी पर आए थे। ये बताओ, मेरे किसी को दुश्मनी नहीं, कोई संबंध नहीं, मैं खुद देश की सेवा कर रहा हूँ और मेरे पे गोली मार रहे हैं। ये क्या भरतपुर प्रशासन क्या करेगा? दिन रात गोली चल रही है, क्या प्रशासन है? बताइए आप। घटना में ठाकुर होटल से खाना खा के चला मैं, मेरा साला। वहाँ से हम हीरादास बस स्टैंड के पीछे आए, वहाँ से हम प्रॉपर्टी सामने हमने गाड़ी रोकी। इतनी देर में तो रोकिए पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। जिन्होंने गोली चलाई उनको मैं 2 बंदों को जानता हूँ। एक ने गोली चलाई, उसकी मेरे हाथ में लगी। मैंने कहा यार मैं अजीत फौजी, मेरे से क्या ताल्लुका था यार तुम्हारा? बोले दूसरी गोली चला, यहाँ छर्रे लगे। किसके? वो अनिल गुर्जर सेरा कासोट और उनके साथ 7-8 बंदे और थे। उन्होंने गोली चलाई, मेरी गाड़ी का शीशा फोड़ा, जबकि मेरा किसी से कोई ताल्लुकात नहीं, संबंध नहीं। अगर जायदाद का, प्रॉपर्टी का, धन का, दौलत का किसी से मेरा कोई ताल्लुकात हो, क्या भाई इस चीज़